नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज फतेहपुर जिले की खागा 243 विधानसभा समाजवादी पार्टी को समर्थन मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एन चौधरी ने समर्थन किया और खागा विधायक पूर्व DIG रामतीर्थ परमहंस पासवान को चुनाव जिताने का वचन दिया। हाँ, आप लोगों को बता दें कि पिछले माह खागा नगर पंचायत प्रांगण में मानव क्रांति पार्टी ने 10 घटक दलों के साथ भाजपा पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण आज समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन किया और वही खागा विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक रही 243 सुरक्षित जनपद की हाई प्रोफाइल सीट, जिसमें आज भाजपा विधायक कृष्णा पासवान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसके पहले भी कई क्षेत्रों में जनता द्वारा भाजपा विधायक कृष्णा पासवान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, वही आज फिर खागा तहसील पर वकीलों द्वारा भाजपा विधायक कृष्णा पासवान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि भाजपा विधायक द्वारा कई फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा कृष्णा पासवान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील से बाहर निकल जाओ। जैसा कि लोगों का कहना है कि हम भाजपा पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खागा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा पासवान का विरोध है। आइए सुने क्या कहा समाजवादी पार्टी के पूर्व DIG रामतीर्थ परमहंस पासवान और समर्थन में आए मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एन चौधरी ने। आप देख रहे हैं MP न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय और सहयोग लेने की बात है, तो जहाँ तक उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है समाजवादी पार्टी के जो है कुछ अधिकारी करेंगे। जहाँ तक हमारे स्तर की बात है, पूरा है स्थानीय स्तर पर बात है, पूरा है बिल्कुल उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने की बात हुई है और पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए अपने खुद सहयोगी के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में बीच में हमारा समर्थन किया है, मैं उसका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चौधरी साहब, आपने BJP में गठबंधन किया, ऐसी कौन सी बात आई, ऐसी कौन सी आपकी मांग थी जो उन्होंने पूरा नहीं किया और वहाँ से इधर आना पड़ा? देखिए, हमने पहले बताया कि सम्मान के लिए गए थे, हमें ऐसा लगा राष्ट्र की बात बताई गई जिसके लिए हम हिस्सेदारी मोर्चा के साथ में थे और उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ हमें लगा कि वहाँ हमें सम्मान नहीं मिला, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि गोद ले लेने के बाद अनाथ जैसे छोड़ दिया गया वहाँ। इसके बाद कोई पूछने तक राजी नहीं है, टिकट की बात तो छोड़िए, जबकि बात ये हुई थी कि दो दो टिकट मिलेंगे, टिकट तो नहीं मिले, इसके बाद सम्मान भी देना उचित नहीं समझा हमने। DIG साहब, इस बार जो है आप अच्छे से लड़ रहे हैं और विपक्ष में देखा जाए तो आप ही, आप लोगों ने ये तय किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल है कि शायद इस बार तो मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही या समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता खुद लड़ रही है। बहुत अच्छी तरह से संकेत जा रहा है। अब सवाल इस बात का कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पहले आप विधायक कुंडी के आने दें, विधायक खुद तय करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री कित को बनाना है, ये विधायक खुद तय करेंगे। आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही है कि मैं चाहूँगा कि हम खागा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने हमें प्रेषित किया है और मैं जनता के बीच में जनसेवक, जनता की सेवा के लिए आया हूँ और इसी रूप में अपने आप को मैं दाखिल किया है। मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा करूँ, जनता को तहे दिल से जैसे यहाँ के विकास के लिए, लोगों के समस्याओं के बारे में, उनके दुख तकलीफों के बारे में एक रहनुमाई करूँ, यही मेरा संदेश है।